ओम शांति। आपका प्रश्न है कि चैतन्य आत्मा इस जड़ शरीर की तरह क्यों आकर्षित होती है? बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है आपका। आत्मा परम धाम में, परम अवस्था में थी, वंडरफुल बात कि आत्मा परम धाम में, परम अवस्था में थी, जहां संकल्प भी नहीं था, बोल भी नहीं था, कर्म भी नहीं था। उस आत्मा को इस संसार में आना क्यों हुआ? आने के बाद इस संसार के प्रति, इस नश्वर शरीर की तरफ क्यों आकर्षण हुआ? ये हम देख रहे हैं, ये है हम आत्माओं का घर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, जहां हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के पास होती हैं, जहां कोई भी संकल्प नहीं होता, जहां हमारे परम धाम में होने की अवस्था को भी हम जान सकते हैं। सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, 9,33,00,000 देव आत्माएं, फिर उसके बाद सभी धर्म पिताएं, फिर उस धर्म पिता की चारों तरफ लाइन में बैठी हुई आत्माएं। हर धर्म की आत्मा अपने धर्म पिता के पीछे लाइन में नीचे की तरफ आती। ये सिजरा, ये एक नक्शा है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि सर्व आत्माएं परम पिता परमात्मा के पास परम धाम में होती, और वहां परमात्मा कभी इनसे मिलते नहीं, बात करते नहीं, कुछ पूछते नहीं, कुछ बताते नहीं, क्योंकि परमात्मा भी संकल्प शून्य और सर्व आत्माएं भी संकल्प शून्य। जैसे वहां गई वैसे उन्होंने वहां से आना है। वहां आत्मा का रेस्ट, शांत स्थान है, जहां आत्मा एकदम रेस्ट, उसे कोई भी, और हर आत्मा में उसके पाठ के अनुसार, उसके पुरुषार्थ के अनुसार, उसकी पवित्रता के अनुसार, उसके दर्जे के अनुसार उसका अलार्म फिक्स होता है। और निश्चित समय पर आत्मा, क्योंकि ये ड्रामा ऑटोमेटिक है, वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट और ऑटोमेटिक है, और हर आत्मा एक्यूरेट टाइम पर वहां से इस संसार में आती, और इस संसार में आना माना इस संसार के नश्वर शरीर में प्रवेश कर, और वहां से जैसे ही कोई आत्मा आती है, आते ही चाहे वो आत्मा सतयुग में आए, चाहे वो आत्मा त्रेता में आए, चाहे वो आत्मा द्वापर में आए, चाहे वो आत्मा कलयुग में आए, चारों युगों में किस समय भी वो आत्मा इस पृथ्वी पर आए, उसे आने के बाद जा नहीं सकती। और वो जिस स्टेज पर आएगी, क्योंकि सबसे पहले आत्मा आएगी 100 नंबर वाली, 99 वाली, 98 वाली, 97 वाली, जिनके नंबर 75 से ज्यादा होंगे वो सतयुग के अंत तक आ जाएंगे। 70, 70, 65, 60 पद पर 50 वाली आत्मा यहाँ द्वापर के त्रेता के अंत तक आ जाएगी। 49, 40, 30, 25 तक वाली आत्माएं यहाँ तक इस पृथ्वी पर आ जाएगी, और उसके बाद 25 से कम वाली आत्माएं सारी जब इस पृथ्वी पर आ जाती हैं, तो परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर
हम सारे संसार की आत्माओं का कार्मिक अकाउंट बराबर करा के एक साथ सबको भर लेगा। कोई भी आत्मा आगे पीछे परमधाम नहीं जाए। जो आत्मा एक बार परमधाम से आ गई, चाहे वो कभी भी आई हो, अब वो वापस परमधाम नहीं जाएगी जब तक परमपिता परमात्मा ना आए सारे संसार की आत्माओं को वापस घर ले जाने। तो हर आत्मा परम धाम से आई है और परम धाम एक्यूरेट टाइम पर जाना। अब आने के बाद वो इस शरीर को भोगती, जब वो इस शरीर को भोगती है तो उसकी बैटरी डाउन होती है। अब जब उसकी बैटरी डाउन होती है तो शरीर भी पतित होता है। जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाती है ऐसे ऐसे पृथ्वी भी तमो प्रधान ताकि तरफ बढ़ती जाती है और शरीर भी तमो प्रधान होता जाता है। जैसे आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान। शरीर रजो हुआ तो प्रकृति भी रजो हुई तो शरीर भी रजो प्रधान। जब शरीर तमो प्रधान हुआ, प्रकृति भी तमो प्रधान हुई, आत्मा भी तमो प्रधान। तो आत्मा जब तक स्वयं की पावरफुल स्थिति में रहती है तब तक वो अपने आप को इस देह से न्यारा अनुभव करती है। परंतु द्वापर के बाद वे अपने जो गुणों को खो बैठी थी, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्तियां, जिनको वो खो बैठी उनको उसने शरीर के द्वारा ढूंढना शुरू किया। जो आत्मिक प्यार था उसे जिस्मानी प्यार में ढूंढना शुरू किया। आत्मिक रूहानी सहयोग शारीरिक सहयोग में ढूंढना शुरू किया। आत्मिक शांति जिस्मानी शांति में ढूंढना शुरू किया। इसीलिए वो जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में या तीर्थ स्थानों में घूमने में वहां सोचने लगा, वहां जाएंगे तो शांति मिलेगी, वहां जाएंगे तो शांति मिलेगी। परंतु जितना वो इन धर्मों के चक्कर में गया उतना ही उसकी अवस्था खराब हुई। जिसमें लेखक ने कहा, कवि ने कहा है, धर्मों की भीड़ में भगवान खो गया, गुरुओं की भीड़ में ज्ञान खो गया, सुख की ओर दौड़ में सुख। जितना इस संसार के सुखों की तरफ इंसान भागा है, कितने ज्यादा से ज्यादा उसने सुखों का संग्रह किया है, परंतु उसके जीवन से सुख एकदम गायब होते गए और अंततः गायब हो गए। आज सारा संसार दुखी हो गया। इस जड़ शरीर को केवल उसने ड्रेस के रूप में एक्सेप्ट किया था, धीरे धीरे इस जड़ शरीर को भोगते भोगते इस जड़ शरीर के अधीन, इस शरीर का यूज उसी प्रकार से उसने किया था जैसे एक सीरियल के अंदर आप देखेंगे कि कोई पति का रोल कर रहा है, कोई पत्नी का रोल कर रही है, वास्तव में वो किसी और का पति है और वास्तव में वो किसी और की पत्नी। परंतु रोल के अंदर हमें दिखाई देता है कि रियल पति पत्नी, जबकि वो दोनों सच्चाई को जानते हैं कि हम दोनों अलग अलग हैं, केवल हम रोल कर रहे हैं। इसी प्रकार वो आत्माएं जब हम आई थी हम भी अपने आप को यही समझते थे कि ये ड्रेस है, हम इसको पहनकर रोल कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे उन दोनों ने रोल करते करते रोल को ही रियल एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण वो दुखी, दो घर बर्बाद हो गए। इसी प्रकार हम आत्मा भी इस देह को ही मैं समझ बैठे, मेरी देह करते मैं देह हूं,
आत्मा परम धाम से आई थी, आत्मा परम धाम चली जाएगी, मैं तो मर जाऊं। खुद को देह समझ लिया, इसलिए देह के आकर्षण बढ़ते गए, जिसके कारण ये सारा संसार नर्क बन गया। अपने आप को देह समझता है, खुद को देह समझेगा तो देह का आकर्षण भी। आत्म विस्मृति होने को ही देह का आकर्षण का आधार कहा जाता है, जिसे ज्ञान मिलने के बाद आपके मुख से निकलेगा, जैसे गीता में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति हो गई है कि मैं अमर आत्मा, मैं ये देह नहीं, मेरा मोह देह से नष्ट हो गया, देह के संबंधियों से मेरा मोह नष्ट। अब परमात्मा हम सबको आत्म अभिमानी बनाते, देह अभिमान से मुक्त करने का, मुक्त होने का रास्ता। इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7 डेज कोर्स, राजयोग का 7 डेज कोर्स, 7 वीडियोस आपके पास भेजी जा रही है, उन्हें आप देखते देखते आपके मन में कोई प्रश्न उठ सकता है, जिसके लिए जो अब तक हमसे प्रश्न पूछे गए हैं इस 7 डेज कोर्स के बारे में, उन प्रश्नों के उत्तर उसी के साथ नीचे 7 प्लेलिस्ट में दिए गए। आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर अपने प्रश्न के उत्तर जान सकते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर वहां अवेलेबल नहीं है तो आप 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। प्रश्न भेजे तो व्हाट्सएप करना है, प्लीज फोन में। ओम शांति।